जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSD प्राइजेस के बारे में। लेटेस्ट जुलाई के CSD प्राइजेस रॉयल एनफील्ड की बाइकों के। तो CSD प्राइज क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊँगा। जो आर्मी कैंटीन स्टोर होते हैं, आर्मी के अपने स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर जो प्राइजेस होते हैं उनको CSD प्राइज बोले जाते हैं। अब ये सुविधा दी जाती है जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, जो सर्विसेज करते हैं आर्मी में, उनको सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। टैक्सेस थोड़े कम कर दिए जाते हैं तो वे प्राइस थोड़े कम होते हैं सिविल प्राइस से। नॉर्मली अगर आप बाज़ार से कहीं शोरूम पर जाओगे और वहाँ से अगर आप बाइक खरीदोगे तो वहाँ पर आपको प्राइस महंगे मिलेंगे, CSD में कम मिलेंगे। तो जो भी व्यक्ति आर्मी में सर्विस कर रहा है, कोई रिलेटिव आपका सर्विस कर रहा है, सिर्फ उनके लिए ये जो सुविधा है ये उनके लिए है। कोई भी और मेरा भाई जबरदस्ती या कोई जुगाड़बाजी इसमें ना करे। तो ये एक जो हमारे आर्मी के जवान है सिर्फ उनके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आई बटन में भी आप देख सकते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको प्राइस बताऊंगा सिर्फ बुलेट के और क्लासिक के, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं प्राइस बताऊंगा मीटियोर के, हिमालयन के और कॉन्टिनेंटल के, इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल दोनों बाइकों के। तो अब दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए लेटेस्ट प्राइस है जुलाई के, अगर आप आज CSD से बाइक बुक कराते हैं तो आज ये कीमत पर आपको आपकी बाइक बुक करानी पड़ेगी। तो मैं ऑन रोड और एक्स शोरूम दोनों प्राइस आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि प्राइजेज़ में डिफरेंस हो सकता है, CSD स्टोर पे डिफरेंस हो सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली की कैंटीन से प्राइस लेते हैं तो वहाँ से डिफरेंस मिलेगा आपको, पंजाब की कैंटीन में अलग प्राइस मिलेगा, तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा, और ऑन रोड कीमत में भी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे पसंदीदा और सबसे चहेती बाइक जिसका नाम है बुलेट 350, स्टैंडर्ड 350 हम जिसको बोलते हैं। तो CSD के मैं आपको प्राइस बताता हूँ और दोनों का डिफरेंस बताऊँगा जो सिविल प्राइस है उसका भी। तो बुलेट 350 का जो एक्स शोरूम प्राइस है CSD में वो है 119,345 रुपीज़, और ऑन रोड पड़ेगी ये 142,000 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों ये 142,000 रुपीज़ की आपको ऑन रोड पड़ेगी, जबकि सिविल में अगर आप यही बाइक खरीदते हैं तो ये आपको पड़ेगी 166,000 रुपीज़ की। तो ये जो डिफरेंस है ये है लगभग 25,000 रुपीज़ का, 24,000-25,000 रुपीज़ का। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बुलेट 350 ES के बारे में, जिसे हम इलेक्ट्रा बोल देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में जो बुलेट आती है वो वाली। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है CSD के अंदर वो है 131,761 रुपीज़। इसकी जो ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी CSD के अनुसार वो पड़ेगी 155,000 रुपीज़ की। अगर आप नॉर्मली इसको शोरूम से खरीदते हैं तो प्राइस इसकी पड़ती है 183,000 रुपीज़। जो डिफरेंस है प्राइस का दोनों में, CSD और सिविल में, वो है 28,000 रुपीज़ का। तो काफ़ी मोटा डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्लासिक सीरीज़ की, और मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में सिर्फ बुलेट और क्लासिक को ही के प्राइजेज ही कवर करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्लासिक S सिंगल चैनल ABS नॉर्मली इसको हम बोलते हैं, तो इनकी जो CSD एक्स शोरूम कीमत है वो है 146,157 रुपीज़। ऑन रोड कीमत इसकी पड़ेगी आपको 173,000 रुपीज़ की। और अगर मैं सिविल प्राइस की बात करूँ तो इसकी कीमत पड़ेगी आपको 203,000 रुपीज़ की। तो 30,000 रुपीज़ का फ़र्क यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसमें क्लासिक S के बाद जितने भी क्लासिक S में जितने कलर हैं सबके प्राइस सेम टू सेम है। इसके बाद बात करते हैं गन मेटल स्पोक वाला जो मॉडल है इसके बारे में, तो इनकी जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है 154,936 रुपीज़। ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 182,000 रुपीज़ की। सिविल में इसकी प्राइस है 214,000 रुपीज़। तो प्राइस डिफरेंस है 32,000 रुपीज़ का। इसके बाद सिग्नल्स 162,450 रुपीज़ एक्स शोरूम CSD, ऑन रोड कीमत पड़ेगी 192,000 रुपीज़ की। सिविल के इसके प्राइस हैं ऑन रोड 224,000 रुपीज़। जो प्राइस डिफरेंस आता है वो है 32,000 रुपीज़ का। इसके बाद दोस्तों गन मेटल एलोए
मेटेलो सिल्वर और ऑरेंज एम्बर, नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इन तीनों ही मॉडल्स के प्राइस जो हैं वो सेम हैं। इन तीनों मॉडल्स का जो एक्स शोरूम कीमत है सीएसडी में वो है 1,65,467 रुपीज़। ऑन रोड कीमत इनकी पड़ेगी 1,95,000 रुपीज़ के आसपास। और जो सिविल में अगर आप नॉर्मली जाकर शोरूम से ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत पड़ेगी आपको 2,28,000 रुपीज़। जो प्राइस डिफरेंस आता है वो है 33,000 रुपीज़ का। दोस्तों इसके बाद बहुत ही चहेती हमारी स्टेल्थ ब्लैक और बहुत ही खूबसूरत क्रोम, इन दोनों की मैं आपसे बात करता हूँ, क्लासिक की बात कर रहा हूँ मैं। इनका जो CSD एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,68,305 रुपीज़। इनकी जो ऑन रोड कीमत पड़ेगी वो पड़ेगी 1,99,305 रुपीज़। और इसकी जो सिविल में जो ऑन रोड कीमत पड़ती है वो पड़ती है लगभग 2,33,000 रुपीज़। तो इनका जो प्राइस का डिफरेंस आता है वो आता है 34,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये मैंने आज कवर किया है सिर्फ बुलेट 350 और क्लासिक 350 को, मेटियोर को और हिमालयन को और कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर को। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके प्राइस बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्म करके ही वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और सही कीमत आपको पता लगे। तो जो भी भाई मेरा आर्मी से रिलेटेड फैमिली में है, आर्मी में आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके पापा हैं, चाचा हैं, तो वो इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, या वो खुद अगर आर्मी में हैं सर्विस कर रहे हैं तो वो खुद इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी सब अपनी मेहनत करो, कमाई करो और बुलेट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए बुलेट अड्डा के नाम से, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।